जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक बिगनर गिटारिस्ट के लिए। तो हर कोई जो इंसान गिटार प्ले करना स्टार्ट करता है, 100% लोगों को ये इशू पक्का आता है कि उनके हाथों में कट्स पड़ने लगते हैं जब वो स्टार्टिंग में गिटार प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो फिंगर पेन होने लगता है, बहुत सारे लोगों की ब्लीडिंग भी होने स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर होप खो देते हैं कि मे बी गिटार मिल लेनी है बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आप इस पर वर्कआउट करते हैं तो बहुत ईजिली आप लोग इस दर्द को खत्म कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को डिटेल में देखना अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोग इस इशू से परेशान है कि आप लोगों के फिंगर पेन करते जब आप लोग गिटार प्ले करते हैं, तो श्योरली इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है और फिर आप लोगों के फिंगर्स कभी पेन नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली मैंने शूट किया था अपने फॉरएवर गिटार कोर्स के लिए, जो कि मैं नया गिटार कोर्स लाया हूँ। बट ये जो आइडिया था मुझे इस वीडियो का, वो मिला था फ्रॉम वन ऑफ द कमेंट जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में आया था। तो श्योरली मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को गिटार सीखना है फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल थ्रू वीडियोज प्लस लाइव डाउट क्लासेस, तो आप लोग श्योरली फॉरएवर गिटार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है 1 से 2 वीक पहले और आप लोगों के पास अभी बहुत सारा टाइम है, करीब 1 साल ये कोर्स चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ गिटार सीखना, तो श्योरली आप लोग फॉरएवर गिटार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 999 में आप लोगों को लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाता है और करीब 200+ वीडियोज इसमें आएंगी और आप लोगों को हर एक वीक लाइव डाउट क्लास में मिलेगा और बहुत सारे पर्क्स हैं, नोट्स, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मिलने वाली। तो श्योरली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसे। एंड अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना हो तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। iOS का एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है एंड ऑल्सो वेबसाइट है। तो अगर आप लोग अपने मैकबुक में या फिर अपने लैपटॉप में देखना चाहते हो तो श्योरली आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो। तो एक जगह से बाय करोगे सब जगह मिल जाएगा। ऑल्सो फाउंडेशन गिटार कोर्स है, वो अभी 499 में मैं सेल कर रहा हूँ। वो पूरा बना हुआ कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोज है 106 वीडियोज, तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप लोग फॉरएवर गिटार कोर्स बाय करते हो तो आप लोगों को फाउंडेशन गिटार कोर्स के साथ फ्री मिलता है। ठीक है, तो बहुत सही चीज़ है। अगर आप लोगों इसके बारे में डिटेल में जाना, यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, उसमें क्लिक मार के आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। हम लोग सीधा जंप करते हैं टू दैट वीडियो जो कि मैंने फॉरएवर गिटार कोर्स के लिए बनाई है। सो लेट्स डाइव इनटू दैट वीडियो। तो इसका सबसे पहले हमें कोर रीजन जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे हाथों में कट पड़ जाते हैं। और आप लोग अगर मेरे फिंगर्स देखेंगे तो मैं भी रेगुलरली गिटार प्ले कर रहा हूँ बट मेरे फिंगर्स में कोई कट नहीं है। रीजन वाई, बिकॉज मुझे मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर पता है। तो एक चीज होती है जिसे मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर कहते हैं, विच इज बेसिकली कि हमारे को कितना प्रेशर लगाना है कि हमारे स्ट्रिंग में साउंड आ जाए। जो नए बिगनर गिटारिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे होते हैं टू क्रिएट दी नोट फ्रॉम द स्ट्रिंग, जो कि रियली में रिक्वायर्ड नहीं होती है। बिकॉज हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है गिटार इज वेरी हार्ड, तो इन स्टार्टिंग से इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है इन दिस फ्रेट बोर्ड इन दिस स्ट्रिंग, जिसकी वजह से उसको कट्स पड़ते हैं। तो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर कैसे जानना है, वो एक एक्सरसाइज की वजह से आप लोगों को बहुत ही ईजिली पता चल जाएगा। एंड वंस यू गेट इट, आप लोगों को कभी ये फिंगर पेन नहीं होने वाला है। जैसे कि हर एक एडवांस प्लेयर या फिर जो इंटरमीडिएट प्लेयर होते हैं जो कि बहुत टाइम से गिटार प्ले कर रहे हैं, उनके हाथों में कभी कट नहीं पड़ते हैं, उनके हाथों में कभी खाल नहीं निकल रही होती है, वैसे आप लोगों के साथ भी हो जाएगा अगर आप लोग मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर जान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था रीजन कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों के फिंगर्स में पेन होता है। अब जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हल्का सा ट्राइड एंड टेस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आप लोग अभी बिल्कुल नए तरीके से गिटार प्ले करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू रियली डोंट नो कि क्या रियली में वो रिक्वायर्ड प्रेशर है, तो आप लोगों को वो जज करना पड़ेगा। फर्स्टली आप लोगों को हल्का सा गिटार का एक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों के लिए वर्क ना करें, क्योंकि आप लोगों का गिटार का एक्शन ही इतना हाई है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो फर्स्टली आप लोग अपने गिटार का एक्शन चेक कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्शन कैसे सही करते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो आई विल श्योरली मेक इट, वरना यूट्यूब में वो वीडियो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है 1 घंटे का, जिसमें मैंने फुल मेंटेनेंस बता रखा है, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है। वंस आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का एक्शन तो सही है बट स्टिल आप लोग ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको कैसे जज करना है कि मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों को कभी भी फ्रेट्स के बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट बजाना है। ठीक है, तो सपोज व्हाट आर फ्रेट्स। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि फ्रेट्स आर नॉट दीज डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल पीसेस, द फ्रेट इज बेसिकली दी मेटल पीस। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज फ्रेट नंबर वन, तो फ्रेट नंबर वन ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नो, ये बहुत बड़ा एक डेफिनेशन का एरर है जो कि नए नए बिगनर्स गिटारिस्ट के अंदर होता है और बहुत सारे जो इंटरमीडिएट गिटारिस्ट होते हैं उन्हें भी यही लगता है कि फ्रेट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल पीसेस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो रियल में फ्रेट है वो बेसिकली यही है जो मेटल पीस बना हुआ है। बिकॉज आप लोग चाहे यहाँ पर प्ले करें, अगर मैं फिफ्थ फ्रेट की बात करता हूँ, फिफ्थ फ्रेट यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ स्टिल वही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर प्ले करूँ बीच में स्टिल वही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एट द एंड भी सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट? तो हम लोगों को
जरूरत क्या है कहीं और प्ले करने की जब हम लोग बिल्कुल राइट में प्ले कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, दिस इज योर फर्स्ट फ्रेट, दिस इज योर सेकंड फ्रेट, दिस इज योर थर्ड फ्रेट, दिस इज योर फोर्थ फ्रेट, दिस इज योर फिफ्थ फ्रेट। सपोज हमें फिफ्थ फ्रेट को प्ले करना है तो हम लोग बीचों बीच में प्ले नहीं करेंगे, ना हम लोग ज्यादा पीछे को प्ले करेंगे, हम लोग जहां पर आप लोगों का फ्रेट है उसके जस्ट लेफ्ट। तो दिस इज योर फ्रेट, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा श्योरली, इसी के जस्ट लेफ्ट में आप लोगों को प्ले करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा कम प्रेशर लगता है टू प्ले अ नोट। अगर आप लोगों को नोट प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे कम प्रेशर लगेगा। जो स्टार्टिंग में बिगनर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इस पूरे को फ्रेट मान लेते हैं और बीचों बीच में हिट करने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा लगता है, सबकॉन्शियसली हमें भी ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल मीडियम में अच्छी बजती है, राइट। तो वो लोग उस चीज को अगर उनका जो गिटार इंस्ट्रक्टर है उन्हें बताता नहीं है तो वो लोग हमेशा मिडिल में प्ले करने की कोशिश करते हैं, और मिडिल में प्ले करने के लिए यू नीड मोर प्रेशर। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग बिल्कुल टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट आप लोगों का जो मेटल पीस है उसके जस्ट लेफ्ट में आप लोगों को प्ले करना है। ज्यादा आगे प्ले करोगे तो बस क्रिएट हो सकता है, ज्यादा पीछे प्ले करोगे तो भी बस क्रिएट हो सकता है। सो यू हैव टू जस्ट प्ले यू नो जस्ट प्ले टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, बिल्कुल हल्का सा लेफ्ट को प्ले करना है, ठीक है। दैट इज द परफेक्ट प्लेस जहाँ पर आप लोगों को अपने फिंगर को रखना है। ये सबसे पहला पॉइंट था जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं फिंगर एक्सरसाइज करूँ नॉर्मली जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, तो मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो मेरा देखो अब उतना सब कॉन्शियसली मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर मैं आप लोगों की तरफ देखते हुए बात करूँ तो मेरे जो फिंगर्स होंगी वो हमेशा हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड को होंगी, ना कि बीच में होंगी, राइट। तो ये हम लोग चीज करते हैं बेसिकली, जो गिटार को बहुत टाइम से प्ले कर रहे होते हैं उन लोगों को ये बात पता होती है कि हमारे को लेफ्ट को प्ले करना है, जिसकी वजह से उनको कम प्रेशर लगता है टू प्रोड्यूस अ नोट। तो ये तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज ये है कि हम लोगों को समझना भी पड़ेगा कि मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है क्या, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा पावर लगा रहे हैं तो भी नोट प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं तो भी नोट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है, ये समझना जरूरी है। अब ये चीज भी है कि अगर आप लोग ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना तो ट्यून हल्की सी चेंज हो सकती है। सो अगर आप लोग अपने हेडफोन लगा के इसको सुनते हैं तो अगर मैं नॉर्मली प्ले करूँ जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये नोट को जैसा है टंग, बट अगर मैं बीचों बीच में प्ले करूँ तो टंग हल्का सा हाई चले जाता है, बिकॉज हम लोग एक तरीके से बैंड करते रहे स्ट्रिंग को, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए वो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर जानना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि आप लोगों के इनएक्यूरेसी ना आए इन नोट प्लेइंग, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा टाइट प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट नोट की तरफ हल्का सा बढ़ सकता है, बिकॉज आप लोग स्ट्रिंग को एक तरीके से दबा रहे हैं, है ना। तो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर इसलिए भी जानना जरूरी है। अब कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली, अब सीधा बात करते हैं कि कैसे उसको जानना है व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर। तो इसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दो नोट कंसेक्यूटिवली बजाने, वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू। पहले आप लोग नॉर्मली जैसे प्ले करते थे जो भी आप मॉडरेट पावर लगाते हो उसको लगाओ, ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे उस पावर को कम करने की कोशिश करो एंड सी कि कहां तक बज नहीं आ रहे। जैसे अभी मैं अगर एक आप लोगों को एग्जांपल दूं तो मैं बिल्कुल टाइट से स्टार्ट करूंगा एंड देन धीरे धीरे उसकी जो मेरी फिंगर की स्ट्रेंथ है उसे कम करने की कोशिश करूंगा। एंड देन जो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी फिंगर्स यू नो प्रेशर भी मिनिमम लगा रही है और नोट भी प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर आप लोगों को प्ले करना है। अगर हल्का सा भी बज आ रहा है उससे हल्का सा ज्यादा पावर, बस जहां पर बज आ रहा है उससे हल्का सा ज्यादा पावर विल बी सफिशियंट। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। सपोज मैं बहुत पावर लगाऊंगा, ठीक है, ये तो साउंड प्रोड्यूस हो ही रहा है, थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है सुनने में। अब मैं हल्का हल्का इसको पावर को कम करने की कोशिश करूंगा, अभी भी साउंड सही आ रही है, अब मैं और कम करने की कोशिश कर रहा हूं। सो नाउ यू कैन हेयर सम बजेस, कैन यू हेयर दैट दोस बजेस जो कि लास्ट में कड़क कड़क करके आ रही है। एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, हेडफोन्स यूज कर लेना। तो जब ऐसी बजेस आने लगे उससे बस हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर एंड दैट विल बी परफेक्ट। और फिर इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करते रहो। यू कैन यूज ऑल योर फोर फिंगर्स टू प्ले दिस। इससे क्या होगा, आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर जो आप लगा रहे हैं ये आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी है। देन जब आप नॉर्मली प्ले भी करोगे तो फिर आप लोगों को इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको हल्का सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम टू दिस एक्सरसाइज, जिससे आप लोगों को ये सही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा पावर लगाई, मेरे हाथों में एकदम वो जो गड्ढे होते हैं वो पड़ने स्टार्ट हो गए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि हम लोग बहुत टाइम तक प्ले करते हैं तो हमारी फिंगर्स फिर सॉलिड हो जाती है जिसके से निशान नहीं पड़ते। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एडवाइस देते हैं कि अगर आप रेगुलर गिटार प्ले करते रहोगे कुछ टाइम बाद आप लोगों की फिंगर्स खुद ही इतनी सॉलिड हो जाएंगी कि उसमें निशान नहीं पड़ेंगे, बट उनको ये नहीं पता होता है कि उन लोगों को मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर पता चल चुका है। इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, अगर वो आज भी टाइटली प्रेस करेंगे तो उनकी उंगलियों में फिर से निशान पड़ने स्टार्ट करेंगे, जैसे मेरे में भी दो सेकंड में पड़ गए, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर के लिए ये वाली एक्सरसाइज करो, रेगुलरली दो नोट्स को प्ले करो अलग अलग फ्रेट्स में अलग अलग स्ट्रिंग्स में, एंड देन यू यूल रियली गेट टू नो कि मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर क्या है। एक बार आप लोगों को पता चल गया, स्टिक टू दैट और उसको कम करते रहो, ठीक है, जहाँ तक बज नहीं आता, और जैसे बज आता है उससे हल्का सा ज़्यादा पावर, एंड वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए परफेक्ट प्लेस होगा टू प्ले अ नोट।
दैट्स इट, आप लोगों को कभी फिंगर पेन फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल सा पॉइंट था बट आप लोगों को रीजनिंग देना जरूरी था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके सो